नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू में आज हम देखेंगे कि सरकार के द्वारा जो फरमान दिए जा रहे हैं वो जिससे शिक्षक काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं विद्यालय के शिक्षकों को खाता खुलवाने का सख्त निर्देश ऐसा आया है कि अब उनके वेतन से भी कटौती करने की संभावना बताई जा रही है अभी आपको दिखाएंगे कि मुख्य सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो बातें हुई है जो बातें उभर कर सामने आई है वो बातों में क्या क्या है अभी आपको स्पष्ट करेंगे तो अगर आप विद्यालय के प्रभारी हैं सरकारी शिक्षक हों या फिर पारा शिक्षक हों तो आप कृपया सावधान हो जाएं जितना जल्द हो सके अपने विद्यालय के सभी बच्चों का खाता अवश्य खुलवा लें अब बात यहाँ पर ये आती है कि आधार से आधार बनवाना और खाता खुलवाना खाते को जुड़वाना आधार से ये बहुत ही अनेकों प्रकार की समस्याएँ हैं शिक्षा विभाग का फरमान शिक्षकों के लिए इस प्रकार नित्य दिन आते रहते हैं शिक्षक बैंक के चक्कर काट काट कर परेशान हो चुके हैं बैंक के अधिकारियों का कहना होता है दो फॉर्म चार फॉर्म करके भेजिए इस प्रकार से आपके खाता खुलेंगे इधर बहुत सारे विद्यालय में फॉर्म जमा होकर भी स्थितियां बहुत ही खराब हो गई है अभिभावकों को परेशानी में डालने के बाद अभिभावक भी शिक्षकों पर हावी हो जाते हैं शिक्षक आखिर करें तो क्या करें कैसे सरकार की बातें मानें किस प्रकार से खाता खुलवाएं आखिर किस प्रकार से इस प्रकार की समस्या से निजात पाएं ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल का समय है अब नया फरमान जो जारी हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिक्षकों के 25 प्रतिशत वेतन की कटौती की जाए अगर वो खाता नहीं खुलवा पाते हैं आप इसे ध्यान से देखें और समझें आज के जो ताज़ा अपडेट है इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर आप ये छात्रों का खाता नहीं खुलाएंगे तो आपके जेब पर अब भारी पड़ने वाला है अर्थात पच्चीस प्रतिशत की कटौती आपके वेतन से की जाएगी यहाँ देखिए ये दैनिक भास्कर में बोकारो से इस प्रकार का आज का ताज़ा अपडेट है जिसमें इस प्रकार की बातें उभर कर सामने आई है अभी आपको इसके मुख्य बात जो है उसको भी हम पढ़कर सुनाते हैं हो सकता है कि आपके स्क्रीन पे कुछ धुंधला दिख रहा हो तो यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है सरकारी स्कूल के जिन बच्चों का खाता नहीं है उनके खाते में पोशाक एवं छात्रवृत्ति की राशि डीबीटी के माध्यम से नहीं जा पाती है इसे सरकार की ओर से गंभीरता से लेते हुए विगत दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव ने यह स्पष्ट कहा है कि स्कूलों में कुल नामांकन के पचास नामांकन के पचहत्तर फीसदी विद्यार्थियों का बैंक खाता अनिवार्य रूप से खोला जाए अन्यथा यहाँ देखिए इसको समझिए अन्यथा संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक के वेतन से पच्चीस प्रतिशत की राशि काट ली जाएगी ये कड़ा फरमान है जो शिक्षकों के लिए बहुत ही मुश्किल है शिक्षक तनाव में पड़ जाते हैं इस प्रकार की समस्या से शिक्षक भी चाहते हैं कि मैं खाता खुलवा दूं, आधार बनवा दूं, हर काम को करूं। शिक्षक हमेशा तत्पर रहते हैं शिक्षण कार्य भी करते हैं और पदाध्या पदाधिकारियों के फरमान को भी मानते हैं पर परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है कि अब शिक्षक क्या करें बैंक में इतनी भीड़ बैंक अधिकारी भी सभी छात्रों को एक साथ खाता खोलने के लिए मजबूर हैं वो नहीं खोल पाते हैं वहाँ भी परिस्थितियाँ बहुत ही विकट है ऐसी स्थिति में शिक्षकों के साथ काफ़ी बड़ी समस्या आ गई है और सरकार के फरमान इस प्रकार के जारी होते रहे हैं तो परिस्थितियों को देखते हुए सभी शिक्षकों को ये बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से भी हो खाता खुलवाने का प्रयास करें ताकि आपकी जो परेशानियाँ हैं वो ना बढ़े आधार को खाता को खुलवाकर उसी आधार से हर हाल में आपको लिंक करवा देना है ताकि सभी बच्चों की अकाउंट में पैसे पोशाक और भी तरह तरह के जो भी पैसे हैं वो उनके खाते में सीधे आ जाए तो अब आपको आधार भी बनवाना है खाता भी खुलवाना है और विद्यालय में नामांकित छात्रों का हर हाल में ये खाता खुलेगा बच्चों के खाता में राशि ट्रांसफर करने में बहुत परेशानी हो रही है जिसके कारण इस प्रकार के फरमान जारी हो रहे हैं तो अगर आप सरकारी शिक्षक हैं या फिर पारा शिक्षक हैं अगर आप प्रभार लिए हुए हैं विद्यालय के तो आपको निश्चित तौर पे इस बात की ध्यान देना होगा और इसमें उस विद्यालय के सभी शिक्षकों का भी कर्तव्य है कि इस कार्य में निश्चित तौर पे भागीदारी बने और सभी मिलकर पूरे विद्यालय परिवार मिलकर सभी अपने विद्यार्थियों का खाता खुलवाने का प्रयास करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद